हेलो दोस्तों ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एक यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक चैप्टर है आपका जिसका नाम है भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद तो आज हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ पर हमें कई सारी बातें करनी है यहाँ पर हम भारतीय प्रशासन की समस्याओं को देखेंगे तो यहाँ पर पहले एक पृष्ठभूमि देखते हैं क्या चीज़ है ये इसको समझते हैं आप एंड तक देखना कुछ वर्ड हार्ड हैं हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन पूरा देखोगे समझ में आएगा भारतीय प्रशासन में सचरित्रता सच तथा नैतिकता की स्थापना एक विषम समस्या है समसाम एक राजनीतिक यानी कि आज के राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य में नैतिकता एवं ईमानदारी दुर्लभ प्रवृत्ति का रूप लेती जा रही है देखो दोस्तों आए दिन हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो भारतीय प्रशासन के अंतर्गत अगर हम देखें भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके सचरित्र को देखें तो ऐसी इस, मतलब बहुत दुर्लभ ही हमें ऐसे एग्जाम्पल ईमानदारी से संबंधित या नैतिकता या अच्छाई अच्छे कैरेक्टर से संबंधित एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं मतलब ये कि भ्रष्टाचार ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ईमानदारी कि जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही कम देखे जा रहे हैं ज्यादातर लोग जो हैं वो सचरित्रता और नैतिकता की भावना से परे होकर काम करते हैं सचरित्रता का विलोम के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि सार्वजनिक मामलों एवं प्रशासन में सचरित्रता का होना आवश्यक है इसलिए अतः प्रत्येक सार्वजनिक कार्यों संबंधित शाखा में इस पर बल दिया जाना चाहिए भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव बहुत व्यापक होता है इसके फलस्वरूप ना केवल ऐसी गलतियां होती हैं जिनको सुधारना कठिन हो जाता है बल्कि यह प्रशासनिक ढांचे की जड़ों एवं प्रशासन में जनता के विश्वास को ही हिला देता है अतः प्रशासन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निरंतर चलने वाला युद्ध छेड़ देना चाहिए देखिए दोस्तों भ्रष्ट जो ये सच्चरित्रता है इसका उल्टा ही है भ्रष्टाचार मतलब आप अभी आप ईमानदार हो और जब आप ईमानदारी की उल्टी की बात करो कि मैं ईमानदार नहीं हूँ मैं ईमानदारी का अपोजिट हूँ तो वो क्या हुआ वो भ्रष्टाचार हुआ वो भ्रष्टाचारी हुआ तो सचरित्रता के महत्व को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दर्शाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें साफ़ तौर पर कहा गया था कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भी योजनाएं बनाई जा जा रही हैं अगर उन्हें सही रूप में लागू करना है अगर प्रशासन में सही रूप से सभी बातों को या देश में सभी चीज़ों को अच्छे से लागू करना है कार्यान्वित करना है तो प्रशासन में सचरित्रता का होना आवश्यक है एक अच्छा कैरेक्टर अधिकारियों का होना आवश्यक है मतलब ईमानदारी का होना आवश्यक है देखिए दोस्तों भ्रष्टाचार का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है भ्रष्टाचार के फलस्वरूप किसी भी मतलब किसी का मतलब किसी भी सरकारी विभाग का प्रशासन पूरी तरह मतलब बिगड़ जाता है प्रशासनिक जो ढांचा होता है वो बर्बाद हो जाता है इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर, एक निरंतर चलने वाला युद्ध छेड़ देना चाहिए ऐसा पंचवर्षीय योजना में कहा गया था भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तथा परंपरागत समस्या है कौटिल्य का कहना था सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग ना करना उसी तरह असंभव है जिस तरह की जीव पर रखे शहद को ना चखना देखिए दोस्तों जो भ्रष्टाचार है वो एक विश्वव्यापी समस्या है और ये आज की नहीं है ये बहुत पुरानी है भ्रष्टाचार आज से नहीं हो रहा बहुत पुराने समय से होता चला आया है यहाँ अगर हम कौटिल्य को देखें तो कौटिल्य ने भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी कौटिल्य ने साफ तौर पर कहा था कि सार्वजनिक जो कर्मचारी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी धन का उपयोग ना करें ऐसा असंभव है क्यों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि एक व्यक्ति है जिसके जीभ पर शहद रखा गया है क्या वो उस जीभ के शहद को मतलब चेक नहीं लेगा उसका स्वाद वो ले ही लेगा जब जीभ पर रखा गया है तो मतलब ये कि अगर जो सरकारी अधिकारी हैं अगर उनके नियंत्रण में सरकारी विभाग रहता है सरकारी धन रहता है तो वो उसका दुरुपयोग करते ही करते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती मछली कब दो बूंद पानी पी लेती है पता ही नहीं चलता उसी प्रकार सार्वजनिक धन के साथ कर्मचारी करते हैं तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की समस्या प्राचीन काल से ही विद्यमान है तो यहाँ पे कौटिल्य के विचारों को देखने के बाद हमें ये विश्वास हो जाता है कि जो ये भ्रष्टाचार की जो समस्या है ये लोक सेवाओं में ये प्रशासन के अंतर्गत एक प्राचीन काल से ही विद्वान रही है प्राचीन प्राचीन काल से ही शामिल रही है भ्रष्टाचार भारत की लोक भारत की लोक कथाओं किस्से कहानियों से लेकर ऐतिहासिक दस्तावेजों तक यह भ्रष्टाचार चर्चित समस्या रही है सल्तनत काल हो मुगल काल तथा अन्य राजशाही व्यवस्थाओं में राज्य के कार्मिकों जो राज्य के कर्मचारी थे उनके द्वारा भ्रष्टाचार के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कम वेतन देने के कारण भी लगभग उसका प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गबन भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ी है देखिए दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार के ये जो प्रमाण हैं ये जो एग्जाम्पल हैं ये आज हमें नहीं मिल रहा ये प्राचीन काल से ही भारत में अलग अलग जो राजशाही रहा है अलग अलग जो शासन प्रणालियाँ रही हैं उनके अंतर्गत हमें देखने को मिलता रहा है मतलब जो राज्य के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी रहे हैं सरकारी जो अधिकारी रहे हैं शुरू से ही उनके द्वारा भ्रष्टाचार के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर बहुत ज़्यादा था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और जब हम भारत की बात बात करते हैं तो भारत मतलब जब हम स्वतंत्रता की बात बात करें भारत की तो स्व आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है ऐसा हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड से समझा यहाँ पे हमने एक पृष्ठभूमि देख ली भ्रष्टाचार से संबंधित और यही भारतीय प्रशासन की एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण शिष्टाचार का परिचायक है भ्रष्टाचार परिच आशय दो दृष्टियों से समझा जा सकता है संकीर्ण दृष्टि से भ्रष्टाचार का अभिप्राय किसी कार्य को करने या ना करने के लिए रिश्वत लेना है तो व्यापक दृष्टि में भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद या सत्ता का दुरुपयोग करने को कहते हैं इस दुरुपयोग में जानबूझकर किसी एक को लाभ पहुंचाना या किसी दूसरे को हानि पहुंचाना अथवा स्वार्थ भाव से पद एवं उसकी शक्तियों का अनैतिकता पूर्वक उपयोग करना है देखिए दोस्तों अगर हम बात करें भ्रष्टाचार क्या है देखो भ्रष्ट आचरण आपका जो आचरण है आपका जो कैरेक्टर है वो बेकार है तो इसको आप भ्रष्टाचार कह सकते हो भ्रष्टाचार का मतलब है शिष्टाचार रहित होना मतलब आपके अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है आपके अंदर कोई शिष्टाचार ही नहीं है आपके अंदर ईमानदारी नहीं है नैतिकता भी यही है आपके अंदर ईमानदारी नहीं है विहीन नैतिकता विहीन तो नैतिकता विहीन शिष्टाचार रहित का व्यवहार करना ये सब भ्रष्टाचार को दर्शाता है यही इस भ्रष्टाचार का अर्थ है तो इसके अलावा भ्रष्टाचार को हम दो दो दृष्टियों से समझ सकते हैं जो उसका एक संकीर्ण दृष्टि है जो मतलब छोटे पैमाने पर अगर हम देखें भ्रष्टाचार क्या है तो भ्रष्टाचार रिश्वत लेना है ठीक है किसी कार्य को करने या ना करने के लिए रिश्वत लेना आप कोई कार्य कर रहे हैं आप उसके लिए रिश्वत ले रहे हैं तो मतलब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर आप उस किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी रिश्वत ले रहे हैं पैसा ले रहे हैं तो भी भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार क्या है अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है मान लीजिए आपके ऊपर इनकम टैक्स ने मतलब आपके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए कि आपको भाई अब इतना इतना टैक्स भरना है लेकिन आप या मान लो कोई व्यक्ति है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको रिश्वत वगैरह देकर उससे उनसे ऐसी मतलब चीज़ें करवाता है जिससे कि उस व्यक्ति को कम से कम टैक्स देना पड़े कम से कम पैसा भरना पड़े तो ये क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को आप जानबूझकर अपनी पावर का यूज़ करते हुए जानबूझकर लाभ प्रदान कर रहे हो या फिर किसी को आप हानि पहुंचा रहे हो तो ये सब का सब क्या है भ्रष्टाचार है भारतीय दंड संहिता देखिए आईपीसी आपको आईपीसी पता होना चाहिए सी आर पी सी आपको पता होना चाहिए संविधान से अलग हटकर चीज़ें हैं जो देश में देखो संविधान अलग चीज हो जाती है यहाँ पर सी आर पी सी आई पी सी के तहत सजा सुनाई जाती है ठीक है ये कानून बने हैं कि किस काम के लिए कितना दंड निर्धारित किया गया है किस अपराध के लिए तो भारतीय दंड संहिता आई पी सी में आई पी सी की धारा एक सौ इकसठ में भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति शासकीय होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने या ना करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा यानी कि बेकार सेवा का प्रयास केंद्रीय या राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है तो उसे तीन वर्ष के कारावास का दंड या अर्थदंड यानी कि जुर्माना या दोनों दिए जा सकेंगे अब यहाँ पर समझिए काफ़ी विस्तृत हो गया ये अब यहाँ पर समझिए आखिर ये क्या कह रहा है अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की तो इसकी एक धारा है एक सौ इकसठ इसमें भ्रष्टाचार को कैसे परिभाषित किया गया है तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पक्षपात करता है किसी व्यक्ति अपने मतलब जान किसी के पक्ष में चला जाता है या जान किसी की अप, किसी का किसी की उपेक्षा करता है तो ये भ्रष्टाचार है अगर वो अपनी सेवा के द्वारा किसी को लाभ प्रदान करता है किसी को हानि प्रदान करता है तो ये क्या है ये भ्रष्टाचार है इसके अलावा कोई भी चीज़ वो मतलब अपने पद का नाजायज़ अगर यूज़ करता है घूस लेता है अपने मतलब जो उसको पैसा मिलता है वेतन मिलता है उसके अलावा वो घूस लेता है तो ये सब का सब भ्रष्टाचार है या कोई गिफ्ट लेता है तो ये भी भ्रष्टाचार है और अगर इन इन सब के तहत वो कोई भी कार्य करता है तो वो भ्रष्टाचार का अपराधी माना जाएगा और उसको तीन साल तक की सजा हो सकती है सरकारी अधिकारी को और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस पर सरकारी धन के दुरुपयोग पदाधिकार तथा शक्ति का अनुचित प्रयोग और अनैतिक कृत्यों यानी कि कार्यों सहित भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है तो देखो दोस्तों भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है इतनी देर से मैं भ्रष्टाचार के अर्थ को ही आपको समझा रहा हूँ अब ये सारी चीज़ें देखिए भ्रष्टाचार का इससे आपको पता चलता है अर्थ बहुत व्यापक है आप सरकारी धन का उपयोग कर रहे हो तो ये भ्रष्टाचार है अपने पद का जिस पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है अगर उसका दुरुपयोग करता है तो ये भी भ्रष्टाचार है अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करता है गलत तरीके से प्रयोग करता है तो ये भ्रष्टाचार है अगर मान लो कोई पुलिस वाला है अब वो गलत आदमी पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है गलत आदमी का मतलब ईमानदार आदमी के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो ये क्या है ये भ्रष्टाचार है अनैतिक कृत्यों अगर कोई व्यक्ति है जो अनैतिक कार्य कर रहा है नैतिकता से परे है जो उसे नहीं करने चाहिए जो उसके क्षेत्र में नहीं आते अगर वो कार्य कर रहा है वो तो ये भी भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार का क्षेत्र करप्शन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है एक टीचर एक प्रोफेसर अपने पद पर होते हुए अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा तो ये भी भ्रष्टाचार है अब वो जिस जो उसका काम है अगर वो नहीं कर रहा तो ये भी उसका भ्रष्टाचार है क्योंकि इससे आप लोगों को हानि होगी जो स्टूडेंट हैं उनको हानि हानि होगी तो भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है भारतीय लोक प्रशासन में नैतिकता को बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले कार्मिकों कार्मिकों मतलब कर्मचारियों को दंडित करने हेतु निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था कार्यरत है मतलब अगर हम भारत में देखें तो हम भारत में देखते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं भारत में जिसके द्वारा जो लोक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लोक प्रशासन में काम करने वाले जो अधिकारी हैं जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो प्रशासन का जो भी व्यक्ति हिस्सा है चाहे देखो मान लो एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में आप देखते हो एक मैनेजर मैनेजर का मतलब एक बड़े डॉक्टर हैं उसके बाद छोटे डॉक्टर हैं कंपाउंडर हैं नर्सेज हैं तो ये सब क्या है एक प्रशासन के दायरे में काम करते हैं ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है ठीक है आप बैंक गए सरकारी या प्राइवेट आप देखिए वहाँ पर प्रशासन है स्पेशली यहाँ पर सरकारी बात हो रही है तो आप देखिए आपको प्रशासन देखने को मिलेगा बैंक में आप देखो पूरा का पूरा एक आपको सिस्टम देखने को मिलेगा जैसे कि सबसे बड़ा एक मैनेजर है उसके बाद एक डिप्टी मैनेजर है उसके बाद एक सर्विस मैनेजर होगा उसके बाद दूसरे कई सारे कर्मचारी हैं तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है ये सिस्टम ही होता है प्रशासन मैनेजमेंट तो जो भारत सरकार का या जो हमारे देश में या जो सरकार के अंतर्गत जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं या जो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको दंडित करने के लिए अगर वो भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं उनको दंडित करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक नियंत्रण लगाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए या जो कार्मिक है उनको दंडित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विभागीय नियंत्रण कानूनी प्रावधान लेखा परीक्षण ऑडिट और, और सी केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्र केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो यानी कि सी देखिए दोस्तों ये जितनी भी यहाँ पे अभी संस्थाएं बताई गई इनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जाता है ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए ये क्या करती हैं जितने भी कर्मचारी होती हैं उन पर निगरानी बनाए रख रखती हैं जैसे कि आप सीबीआई को तो काफ़ी डिटेल में आप जानते हो सीबीआई क्या करती है खुलासा करने की कोशिश करती है जहां भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है आजकल आप ईडी को देख रहे हो जब जब भी कोई टैक्स से संबंधित कोई भी मतलब झोल पाया जाता है कमी पाई जाती है कभी भी कोई व्यक्ति टैक्स वगैरह की चोरी करता है तो ई छापा मार देती है तो सीबीआई हो गया सीवीसी हो गए हो गए मतलब एक आयोग है ये विभागीय नियंत्रण अलग अलग डिपार्टमेंट भी में भी कई सारे अधिकारी होते हैं जो एक दूसरे अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं कि क, रखते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा इसके अलावा कई सारे कानूनी प्रावधान हैं कई सारे प्रोविज़न बना दिए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे नियम हैं अब लेखा परीक्षण पूरा का पूरा आपको लिख कर देना पड़ता है कि यहाँ यहाँ पे खर्च हुआ है हमारा पूरा का पूरा एक हिसाब होता है तो इससे भी भ्रष्टाचार को रोका जाता है इसके अलावा एक आयोग है केंद्रीय सतर्क सतर्कता आयोग सी बी सी ये काफ़ी एक बड़ा आयोग है किसके लिए भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण आयोग है ये इसके अलावा केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो ये भी भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ये हमने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था देख ली जिसके तहत कार्मिकों के भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जाता है उनको दंडित करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं तो जहाँ तक हमने आपका एक जो टॉपिक था इस चैप्टर का लगभग वो एक टॉपिक हमने कवर किया है भारतीय समस्याओं भारतीय प्रशासन की जो समस्याएं थी उसमें हमने क्या देखा भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज़ अभी यहाँ पर आप रुकना थोड़ी देर इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो भ्रष्टाचार को अभी हमने समझा अब अगर हम बात करें सूचना के अधिकार अधिनियम दो की देखो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चैप्टर में प्रशासनिक समस्याओं के इस चैप्टर में आपको कई सारी चीज़ें कवर करनी है जिसमें कि अब आपको पढ़ना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकपाल को आपको पढ़ना है इसके बाद आपको नागरिक चार्टर के बारे में पढ़ना है फिर महिलाओं के या लिंग के आधार पर जो सहभागिता है उसके बारे में पढ़ना है विशेषज्ञता और सामान्यता सम सामान्यता के बारे में आपको पढ़ना है तो सारी बातें आपको समझाई जाएंगी बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें देखो जो सूचना का अधिकार अभी हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट सूचना के अधिकार अधिनियम की सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो भी वीडियो है वो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई गई है वो वीडियो आपको प्ले में आपको मिल जाएगी देखिए प्ले में आपको सूचना के अधिकार से संबंधित एक वीडियो सेपरेटली मिल जाएगी अब ध्यान से समझो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की टॉपिक की तो वो है सूचना का अधिकार अधिनियम देखो जहाँ पर हंड्रेड परसेंट कुछ कहा नहीं जा सकता ड्यू के टीचर के ऊपर है कि वो एग्ज़ाम में कुछ भी दे दें लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम और ये आपके आगे के सेमेस्टर में भी काम आएगा इसीलिए अलग से इस पर एक वीडियो बनाई है मैंने डिटेल में जो कि आपके लिए पूरी तरह यूज़फुल है यूज़फुल नहीं आपके लिए ही बनी है कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचना कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में है लगभग तैंतालीस मिनट की या चालीस मिनट की जो वीडियो है अब ये मैं सोचना कि वीडियो काफ़ी डिटेल है डिटेल भाई इसलिए क्योंकि आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो आपको सारी बात पता होनी चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित और आपके सिलेबस में दिया गया है तो काफ़ी डिटेल में आपके सिलेबस में इसके बारे में पूछा गया था इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है आप देख लेना प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी इसके बाद आता है लोकपाल अब लोकपाल को भी आपको काफ़ी डिटेल में कवर करना है देखो यहाँ पे लोकपाल को भी काफ़ी डिटेल में कवर करना है इसलिए इसके ऊपर भी वीडियो बनाई गई है आप प्लेलिस्ट देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी तो आप इसे देख लेना अब इसी के तहत जो आपकी ये यूनिट रही है यूनिट फिफ्थ शायद ये आपकी यूनिट तो ये काफ़ी बड़ी हो जा रही है अभी इनके अलावा आपको नागरिक चार्टर को पढ़ना है नागरिक चार्टर के अलावा भी कुछ दूसरी टॉपिक्स को आपको कवर करना है लेकिन सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे हो सकता है वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए लेकिन फिर भी सारी टॉपिक्स के मतलब कवर किए जाएंगे तो घबराना मत यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको अब आप क्या देखना है सूचना का अधिकार अधिनियम वाली वीडियो देखना लोकपाल देखना फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आप देख लेना इससे आपकी यूनिट फाइव कंप्लीट हो जाए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझो हम यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार अब भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सकता है इसका एक तरीका है सूचना का अधिकार अधिनियम तो सूचना के अधिकार अधिनियम लोगों को इसीलिए दिया गया ताकि जो प्रशासनिक समस्या है उसको हल किया जा सके लोकपाल लोकपाल भी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ही कार्य करता है इसलिए लोकपाल को हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा दूसरे भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब के सब सूचना के अधि मतलब जो प्रशासन में जो हैं उसको हल करने से संबंधित हैं इसीलिए ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी डिटेल में कवर करने हैं इन पर सेपरेटली मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें थैंक यू